कैन यू इमेजिन ये कितना फायदेमंद होगा समी साहब। फ्रांस इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए। मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड, ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। बी केयरफुल उसने कहा ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आउट सेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कि चाइना को पाकिस्तान एनुअली तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं वो सप्लाई करता है, उसमें बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी आखिर पाकिस्तान से ही वो गधों इंपोर्ट क्यों करते हैं। फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए कुछ बख्शो भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। अलावा जी $3.4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को वापस करने हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको रीशेड्यूल कराने की कोशिश की जा रही है। द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव, वी आर लुकिंग एट द कैपेसिटीज ऑफर्ड बाय इंडिया एज मच एज वी आर लुकिंग एट द कैपेसिटीज ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है। फ्रांस पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने का इच्छुक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। पिनाका को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत जिन देशों से पहले हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता था, अब वह देश भारत से रक्षा उपकरण खरीदने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात कर चुका है। ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है। फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने कहा, हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें पिनाका जैसे सिस्टम की जरूरत है। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवेल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं खरीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्यूएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम like that and evaluating this among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. Unki jo partnership hai, strategic partnership aur defense partnership, usko aap jante hain. Khair, jab hum ye baat karte hain,
तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में एक ये ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में दो चार कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो के आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा दी टू कंट्रीज आर ऑलरेडी शेयरिंग इक्विपमेंट लाइक राफेल फाइटर जेट्स एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स। फॉर अस द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव। वी आर लुकिंग एट द कैपेसिटीज ऑफर्ड बाय इंडिया एज मच एज वी आर लुकिंग एट द कैपेसिटीज ऑफ द हाइएस्ट कंट्रीज प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफर है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफर है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज करते हैं इंडिया से भी परचेज करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब इस पे तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या फ़रोख करते रहते हैं। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की मेक इन इंडिया, अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमी कंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। बहुत ही पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान वहाँ पर, जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल हैं ना, बहुत इश्यूज़ है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहां पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहां पर उन्होंने किस लिए इजाजत दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें।